ऑफर भी दे दी मुझे कि आपके बच्चों को अगर मेले में जाना है और राइड में बैठना है तो मुझे एक फ़ोन कर लेना, आपको सब राइड फ्री हो जाएंगे। लोग डरते हैं नाला सुपर वसे विरार का बुकिंग ले या नहीं ले, पर मुझे तो कॉन्फिडेंस होता है कि वहाँ से मुझे डेफिनेटली बुकिंग मिलेगी ही मिलेगी। तो वैसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, जो चाहिए वो कीजिए, पर लाइक और कमेंट करना मत भूलना। लाइक हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज के मेरे नए व्लॉग्स में आपका स्वागत है। शाम के 4 बजने के लिए आधा घंटा बाकी है, आप देख सकते हो। अभी मुझे राइड लगी है नाला सोपारा, कैश पेमेंट दिख रही है, तो चलो चलते हैं पैसेंजर के पिकअप पॉइंट पे। पहुंच चुके हैं पैसेंजर के पिकअप पॉइंट पे। देखते हैं कहां पे खड़े हैं। मुझे लग रहा है लेफ्ट साइड में खड़े हैं वो। अभी मैं नाला सुपारा में हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था कि मुझे पनवेल से बुकिंग मिली थी और मुझे 2:45 मिनट लग गए यहाँ पे आने के लिए। किधर भी ट्रैफिक नहीं था, मतलब आप समझ सकते हो कितना फास्ट आ चुका हूँ मैं यहाँ पे। 76 किलोमीटर का राइड था और मैं इसका जो बिल बना है 1961 रुपीस का। तो नाला सुपारा आने के लिए सब लोग डरते हैं, तो मुझे तो इतना बड़ा अमाउंट देख के तो झटका ही मिला हुआ है। 1961 रुपीस, ऊपर का 40 रुपये उन्होंने टिप दे दिया मुझे। तो ये नाला सुपारा का स्टेशन की तरफ अभी राइट ले लेता हूँ और लेफ्ट लेऊँगा और फिर थोड़ा आगे जाके थोड़ा क्या कहते हैं ना, मस्त एरिया एकदम खाली जगह है, वहाँ पे खाली वाला जगह है, तो वहाँ पर जाके थोड़ा रेस्ट कर लेंगे। नाला सोपारा में इतनी रिक्शा की लाइन रहती है, मतलब नाला सोपारा में इतने लोग रहते हैं ना कि अभी मैं पीछे से 1 किलोमीटर के ऊपर मैं थोड़ा आगे चल रहा हूँ, क्योंकि आगे एक मतलब खाली जगह है, वहाँ पे अपन अपना आराम से आराम कर सकते हो। तो अभी मैं देख रहा हूँ कि नाला सोपारा में रिक्शा के लिए लोग कितना वेट करते हैं और सब लाइन में खड़े हैं। उनको कन्फर्म है ये लोगों को सबको कि अपने को बुकिंग लगने वाली है करके। ऐसा नहीं कि पैसेंजर रिक्शा में नहीं बैठेंगे, इनके लाइन में सब लोग खड़े हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे आके लाइन ख़त्म हो रही है, अभी ये रिक्शा टर्न मार रही है, यहाँ पे लगा देगी। तो मतलब इतना अच्छा मतलब इनका सिस्टम है कि इनको पता ही है कि यहाँ पे लाइन में खड़े होने के बाद आधे घंटे के बाद मतलब राउंड लगेगा और स्टेशन के पास पैसेंजर को ड्रॉप करना है। जैसे मैंने आपको कहा था कि मुझे नाला सोपारा में बुकिंग लगी, तो मैं आगे आके यहाँ पे खड़ा हुआ। तो बहुत ही अच्छे पैसेंजर थे, उन्होंने मतलब गाड़ी में नींद भी ली अच्छी तरह से। और हम लोग जब फाउंटेन होटल से थोड़ा राइट लेके अपने विरार वसे विरार हाईवे पे 5 किलोमीटर आगे अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट है, आपने देखा रहेगा वीडियो में, तो वहाँ पे रुके थे। हम लोग ने चाय भी पी, फिर आगे का रास्ता तय किया। तो बातचीत करते करते मुझे ये भी पता चला कि वो फन फेयर मतलब मेला ऑर्गेनाइज करते हैं लोग,
मेला उनका पनवेल में एक मेला लगता है हर दिसंबर में, अभी भी वहाँ पे लगा है, तो वही ऑर्गेनाइज करते हैं। तो ऑर्गेनाइज करने के बाद उनका सब यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट रहता है, सामान जो रहता है, जैसे जो भी राइड है, सब राइड उनके ही है, तो वहाँ पे उनका खुद का रहता है। तो ये सुन के मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और उन्होंने एक ऑफर भी दे दी मुझे कि आपके बच्चों को अगर मेले में जाना है और राइड में बैठना है तो मुझे एक फ़ोन कर लेना, आपको सब राइड फ्री हो जाएंगे, मेले के हर एक राइड आपको फ्री हो जाएंगे। पर मेन प्रॉब्लम है कि मेरी फैमिली, पूरी की पूरी फैमिली गई है पूना, और उनका मेला 1 तारीख को उठ रहा है और वो लोग भी 1 तारीख को आएंगे। तो देखते हैं जो भी है, पर अपना रिलेशन बढ़ाने से, बातचीत करने से, ऐसे लोग अपने से मिलजुल के बात करते हैं बहुत ही अच्छा लगता है। तो इतना ऑफर दे दिया है मुझे, तो ठीक है। और जैसे मैंने आपको कहा था कि मुझे अंदाज़ भी नहीं था कि इतना बड़ा राइड लगेगा, मतलब नाला सोपारा को कम से कम मैं लोग, मैंने सोचा था 1500 1600 1600 रुपये का बनेगा और मुझे 1200 1200 रुपये तक के आसपास मिल जाएगा। पर जब मैंने राइड ख़त्म की तो 1961 का बिल बना, ऊपर से उन्होंने मुझे 50 रुपये टिप भी दे दिए। तो बहुत ही अच्छे पैसेंजर थे, तो उनके साथ अभी मज़ा आया राइड करने में। तो यहाँ से अभी कब बुकिंग लगेगी पता नहीं, पर थोड़ा वेट करूँगा और जल्दी से जल्दी मुंबई की तरफ जाने की कोशिश करता हूँ। चलो मिलता हूँ आपको थोड़ी देर के। हाय फ्रेंड्स, अभी मैं आपसे आधे आधे एक घंटे के बाद बात कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे अभी कल्याण की बुकिंग लगी है और ये बुकिंग मिनी में लगी है। चलो भाई, यहाँ से तो पहला अपना बुकिंग लेके निकल जाते हैं, क्योंकि क्या होता है ना कि यहाँ पे प्राइम का वेट करते करते कितना और घंटे निकल जाएंगे वो पता भी नहीं चलेगा अपने को। तो उससे अच्छा अपन एक काम करेंगे, जो भी बुकिंग लेके यहाँ से बाहर निकलेंगे। पहले में तो अच्छा रहा बुकिंग, मतलब अमाउंट तो मिल गया, दूसरे में भी अच्छा ही मिल जाएगा, क्योंकि कल्याण यहाँ से कम 54 किलोमीटर के आसपास है, तो उसका जो भी है 600 700 रुपया मिल गया। इस वक्त मैं अभी कल्याण में हूँ, कल्याण हाजी मलंग रोड पे हूँ, और यहाँ पे मैंने पैसेंजर को ड्रॉप कर दिया। जैसे मैंने आपको कहा था कि मुझे ये बुकिंग विरार से लगी थी, जो कि कल्याण के लिए 52 किलोमीटर का राइड था, और मुझे तो फ़ायदा ही हुआ कि नाला सोपारा का, जो मैंने, लोग डरते हैं नाला सोपारा वसई विरार का बुकिंग ले या नहीं ले, पर मुझे तो कॉन्फिडेंस होता है कि वहाँ से मुझे डेफिनेटली बुकिंग मिलेगी ही मिलेगी। तो वैसे ही हुआ, मुझे कल्याण की बुकिंग मिली और मैंने मिनी राइड ली थी, पर मिनी राइड लेके भी मुझे प्राइम का अर्निंग मिला हुआ है। मतलब इसका जो बिल बनाया 52 किलोमीटर के लिए 1123 रुपये का बिल बनाया और मुझे 830 या 840 रुपये दिए गए, और 2 घंटे लग गए मुझे सिर्फ यहाँ पे पहुँचने के लिए, 2 घंटे 5 10 मिनट लग गया होगा, ज़्यादा नहीं लगा। तो मतलब विरार वसई में जाके भी अच्छी बुकिंग मिलती है, तो ये कन्फर्म हो गया है। तो 2 ही राउंड में मेरा 2200 2300 रुपये का अर्निंग हो गया है। तो यहाँ से मैं अभी देखता हूँ कि कहाँ पे निकल जाऊँ, या देखते हैं कैसे बुकिंग लगेगी। जुड़े रहना एंड तक, वीडियो देखना। चलो देखते हैं कब बुकिंग लगेगी। धीरे धीरे जा रहा हूँ पैसेंजर के पिकअप पॉइंट पे, रास्ता पूरा ख़राब है, और ये मुझे पनवेल की बुकिंग लगी है, डायरेक्ट मेरे घर की तरफ की बुकिंग लगी है। जा रहा हूँ आगे आगे, पता नहीं यही है क्या पैसेंजर पी है। हाय फ्रेंड्स, अभी मैं कलंबोली हाईवे पे हूँ पनवेल के पास। मुझे ये बुकिंग कल्याण से लगी थी, कल्याण रोड से मुझे बुकिंग लगी है, हाजी मलंग रोड पे ये मुझे बुकिंग लगी थी, और पैसेंजर को मैंने ड्रॉप कर लिया कलंबोली हाईवे पे। ये जो स्टील एरिया है, कलंबोली स्टील एरिया कहते हैं, मार्केट है बहुत बड़ा यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने पैसेंजर को ड्रॉप कर दिया। 26 किलोमीटर का राइड था और मुझे जो बिल बनाया 584 रुपीज़ का बिल बनाया, और मुझे अर्निंग जो दिया गया है वो अर्निंग 420 रुपीज़ का। मैंने सिर्फ आज 3 बुकिंग ही कंप्लीट की है,
तीन बुकिंग में मेरा 2750 रुपये का अर्निंग हो गया है, तो बहुत ही अच्छा बुकिंग मिला। विरार वसई नाला सोपारा, यहाँ पे मुझे बहुत ही अच्छा मतलब रिस्पांस मिला है कि वहाँ से मुझे बुकिंग मिली जाती है, तो बहुत ही अच्छा आज का दिन चला गया है। यहाँ से मैं अभी सीधा घर पे निकल जाऊँगा, और घर पे जाने का यही मतलब है कि अभी नज़दीक मैं पहुंच गया हूँ। यहाँ से अभी तक मुझे कोई बुकिंग नहीं लग रही, और मुझे लग नहीं रहा कि 1-2 बजे तक यहाँ से कोई बुकिंग लगेगी, तो मैंने डिसाइड किया है कि अभी सीधा घर पे निकल जाते हैं। तो उससे क्या होगा कि कल सुबह भी जो अगर मेरा नींद पूरी हो गई और मैं मुझे फ्रेश फील किया, तो मैं सीधा ही सीधा जल्दी ही गाड़ी पर निकल जाऊँगा। तो ठीक है, आज का ब्लॉग भी इतना ही। अगर आज का व्लॉग आपको पसंद आया रहेगा तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, जो चाहिए वो कीजिए, पर लाइक और कमेंट करना मत भूलना। लाइक करोगे तभी मुझे पता चलेगा कि आप मेरे कितने वीडियो आप लोग देखते हो। सब लोग देखते हैं पर लाइक कोई करता नहीं है, उसके वजह से आगे वीडियो फॉरवर्ड नहीं होता है। अगर आप जितना लाइक करोगे उतने मेरा यूट्यूब चैनल मेरे वीडियो को आगे फॉरवर्ड करता रहेगा, और उससे मुझे मदद मिलेगी मेरे सब्सक्राइबर पूरे होने के लिए। तो कल आपको एक खुशखबरी दे दूंगा। तो आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलता हूँ आपको अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय, स्वीट ड्रीम, बाय बाय।